हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनय आनंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। हम मिनरोलॉजी सीरीज में बात कर रहे थे सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज हम बात करेंगे आयनो सिलिकेट स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे टेट्राहेड्रा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, SIU एंड O का रेशियो क्या होता है। इसके अलावा एक प्राइम एग्जाम्पल जो कि सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर का पाइरोक्सिन होता है, उसके हम स्ट्रक्चर को डिटेल करने वाले हैं। उसमें देखेंगे कि किस तरह से टेट्राहेड्रा कोऑर्डिनेटेड होता है, किस किस कैटायंस और एनायंस के साथ। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो पाइरोक्सिन में क्लीवेज होता है वो कैसे डेवलप होता है और किस प्लेन के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइरोक्सिन में कौन कौन से, पाइरोक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल, तो उसके अंदर कौन कौन से मिनरल आते हैं और वो कैसे बनते हैं, तो उसका हम प्रोसेस देखने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आयनो सिलिकेट स्ट्रक्चर। सो आयनो सिलिकेट स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज अ चेन स्ट्रक्चर। देयर आर टू काइंड ऑफ आयनो सिलिकेट स्ट्रक्चर, सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रा इन सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रा इन डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर। So today we are going to define single chain silicate structure. देखो single chain silicate structure को हम बहुत ही आसान और easy way में यहाँ पे समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि जो एक tetrahedra का oxygen है, okay, वो share हो रहा है यहाँ पे इस tetrahedra के साथ। Similarly इसी tetrahedra का जो ये वाला oxygen है, ये share हो रहा है इस tetrahedra के साथ। तो क्या हुआ, एक tetrahedra अपने दो oxygen को share कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर टेट्राहेड्रा के पास कितने ऑक्सीजन हुए, दो तो कंप्लीट ऑक्सीजन हुए, ये O2 और ये O2, इसके पास ये कंप्लीट हुआ और इसने शेयर किया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हाफ O2 बचा, और यहाँ पे भी शेयर हुआ तो हाफ O2 बचा, तो कितने हो गए, एक दो और हाफ हाफ 3। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रा के पास 3 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे दो SI के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो SI कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना था, तो दो SI में कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से इसका क्या रेशियो बना, Si2O6, जिसको कि हम और कह सकते हैं Si O3। तो रेशियो क्या हो गया, 1:3। तो इस तरह से यहाँ पे SI एंड O का रेशियो बना। अब क्या होता है, इसी टेट्राहेड्रा में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका मिनिमम लेंथ होता है ना, जो यूनिट लेंथ कहते हैं किसी भी, अगर आप मेरे क्रिस्टलोग्राफी के लेक्चर को फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे मैंने यूनिट लेंथ को डिफाइन किया है। तो यूनिट लेंथ जो होता है, मतलब कि मिनिमम जो रिपीटेड इसका डिस्टेंस होता है, तो वो इसमें क्या होता है, इसमें 3 टेट्राहेड्रा इन्वॉल्व होते हैं, ओके, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 5:2 एंगस्ट्रॉम, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि मतलब जो रिपीटेड डिस्टेंस होता है सिंगल चेन सिलिकेट में, रिपीटेड डिस्टेंस होता है टेट्राहेड्रा का, उसका डिस्टेंस कितना होता है, 5.2। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे क्यों इंपॉर्टेंट है। ये नंबर आप याद रखेंगे, 5.2 एंगस्ट्रॉम। अब जो आयनो सिलिकेट का है, सबसे कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है उसका पाइरोक्सिन। तो अब हम इसी पाइरोक्सिन को डिटेल करेंगे और उसी के थ्रू हम सिंगल चेन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पाइरोक्सिन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, XYZ2O6। तो यहाँ पे 2:6 का रेशियो है, तो इसलिए ये आयनो सिलिकेट में सिंगल चेन सिलिकेट है, ओके। अब यहाँ पे देखो X क्या होता है, X में आएगा आपका Na+, Ca+, Ca2+, Mn2+, Fe2+, Mg2+, जो कि फिल करता है ऑक्टाहेड्रल साइड, दैट इज नोन एज M2। तो घबराने की जरूरत नहीं है, M2 क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिमिलरली Y में क्या आता है, Mn2+, Fe2+, Mg2+, Al3+, Cr3+, Ti4+। तो एक चीज यहां से आप नोटिस करेंगे कि जो ये चार्जेस हैं, तो ये वाले कैटायंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज कम है तो ये साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो दीज आर द लार्जर कैटायंस, ओके। तो और ये फिर क्या हो जाएंगे, ये सारे कैटायंस क्या होते हैं, ये स्मॉलर कैटायंस होते हैं। तो जो स्मॉलर कैटायंस होते हैं वो M1 साइड को फिल करते हैं, जो लार्जर कैटायंस होते हैं वो M2 साइड को फिल करते हैं, ये याद रखें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो ये M1 होता है ना, वो क्या होता है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, रेगुलर ऑक्टा
ओके बेसिकली जो मोनोक्लिनिक पाइरोक्सिन होता है उसमें ये पाए जाते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। और जो ये M2 साइट होते हैं जो लार्जर कैटायंस होते हैं वो क्या होते हैं इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन ऑफ एट फोल्ड कोऑर्डिनेशन, ये एट फोल्ड कोऑर्डिनेशन में होते हैं, याद रखेंगे आप। ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है, इससे रिलेटेड गेट में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप। इसका फॉर्मूला होता है XYZ2O6। एक्स में क्या होता है जो लाल रंग के टायर्स होते हैं और कौन कौन होते हैं उसमें वो याद रखना है, Na+, Ca2+, Mn2+, Fe2+, Mg2+, ओके, जो कि ऑक्टाहेड्रल साइड्स को फिल करते हैं M2 साइड्स को, ओके। और ये इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन ऑफ एट फोल्ड कोऑर्डिनेशन में होते हैं। एंड वाई में क्या होते हैं जो कि स्मॉलर कैटायंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल साइड्स दैट इज नोन एज M1 को फिल करते हैं। एंड जो जेड बच गया उसमें पहले की तरह SiO4 एंड Al3 आता है जो कि टेट्राहेड्रॉन कोऑर्डिनेशन में होते हैं, मतलब कि ये दोनों आपको ऑक्टाहेड्रल हो गया और ये वाला SiNO4 टेट्राहेड्रॉन हो गया। इतना क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये M1 और M2 के कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। सो दिस इज द मोर सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ पाइरोक्सिन स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखोगे, नोटिस करोगे, दिस इज टेट्राहेड्रॉन ऑफ SiO4, ये भी टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन है, ओके। और ये वाले साइड्स क्या है, ये M1 साइड है और ये M2 साइड्स है, ओके। सिमिलरली यही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, आप देखोगे एक M1 साइड है तो दूसरा M2 साइड है और ये पेयर में है, ओके। तो इस तरह से ये देखोगे आप तो यहाँ पे क्या हुआ, ये SiNAl वाला है तो ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, और ये फिर क्या है, ये ऑक्टाहेड्रॉन में कोऑर्डिनेटेड होते हैं M1 एंड M2 जैसे मैंने बताया आपको। फिर यहाँ पे क्या आ गया, टेट्राहेड्रॉन आ गया, तो इसी को बोलते हैं TOT लेयर, ओके। तो इसी को बोलते हैं TOT लेयर, दैट इज टेट्राहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रॉन टेट्राहेड्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि पाइरोक्सिन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अगर उसमें ऑप्शन हो तो टेट्राहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रॉन और टेट्राहेड्रॉन, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब इसी स्ट्रक्चर को फर्दर दिखाया गया है, इसमें एक और मैं डायग्राम दिखाता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगेन जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये टेट्राहेड्रॉन है, ये M2 साइड और M1 साइड है। अब इसी में ये इसी स्ट्रक्चर में देखोगे आप तो ये जो है उसका क्लीवेज एंगल इस तरह से डेवलप होता है, एक यहां हुआ डेवलप, एक इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ है ना, तो ये क्या होता है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है। इसी को यहां पे दिखाया गया है कि ये वाला एंगल जो होता है यहाँ पे, जो ये एंगल है ये कितना होता है 92 से 93 डिग्री, एंड ये वाला एंगल कितना होता है, दिस इज 87 to 88 डिग्री। तो एक तो पूछा जाता है पाइरोक्सिन का एंगल पूछा जाता है कितना होता है क्लीवेज एंगल, दैट इज 92-93 डिग्री, 87 to 88 डिग्री। तो ये एक यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसको प्लेन में देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सी डायरेक्शन में जो होता है क्रिस्टलोग्राफिक के सी डायरेक्शन में ये डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो ये दो डायरेक्शन में जो आपका क्लीवेज डेवलप होता है, जो डायरेक्शन होता है, एक तो बी डायरेक्शन में होता है, दूसरा ए डायरेक्शन में होता है, क्योंकि सी के पैरेलल है तो सी वाला क्या होता है, जीरो होता है। अब यहां पे ये प्लेन देखोगे आप तो ये वाला ए वाला है, ये बी वाला है, ओके। तो इसी डायरेक्शन में आप देखोगे कि एक क्लीवेज ऐसे डेवलप हुआ, दूसरा ऐसे डेवलप हुआ। तो जो ये 110 वाला प्लेन होता है ना, जब आप इसमें 110 वाले प्लेन में देखोगे तो आपको ये दोनों तरह के क्लीवेज दिखेंगे, इंटरसेक्टिंग क्लीवेज जो कि परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, और कोई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया होगा जिसमें पूछा जाएगा कि इनमें से किस प्लेन में जो पाइरोक्सिन का क्लीवेज नहीं दिखता है। तो देखो क्योंकि ये जो है आपका वन वाला है, ठीक है, तो 110 में दिखेगा, 1 bar 1 0 में दिखेगा, और 010 में दिखेगा, और 010 इन सब में दिखेगा। तो इन सब में क्या होगा कि 010 में कोई आपको एक दिखेगा, इसमें कोई एक दिखेगा, बट आप जब क्लीवेज की बात करो 110 डायरेक्शन में आपको जो है
परपेंडिकुलर वाले दोनों क्लीवेज दिखते हैं। तो यहां से भी आएगा एक क्वेश्चन कि कौन से डायरेक्शन में, कौन से प्लेन में दोनों क्लीवेज दिखते हैं, तो दैट इज 110। या फिर इसके क्लीवेज के डायरेक्शन को भी नाम दिया जाता है क्लीवेज, आपको कहीं लिखे मिलेगा 110। पैराडाइन में किस तरह के क्लीवेज होते हैं, तो 110 टाइप। तो ये थे, और इसी स्ट्रक्चर को जो है बोला जाता है आई बीम स्ट्रक्चर, आई बीम स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि आई बीम स्ट्रक्चर किस मिनरल में दिखने को मिलता है, तो दैट इज इन पायरोक्सिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। यहां से तीन चार क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है पायरोक्सिनाइट ग्रुप, सिंगल चेन सिलिकेट का अनदर एग्जांपल है पायरोक्सिनाइट ग्रुप। ओके, पायरोक्सिनाइट क्या होता है, दिस इज केमिकली सिमिलर टू द पायरोक्सिन मिनरल्स। यहाँ पे SI एंड O का जो रेशियो होता है वो भी 3 होता है, तो काफी सारे प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो पायरोक्सिन की तरह नहीं होता है। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है कि वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बात किया था, दिस इज फॉर पायरोक्सिन, ओके। और जैसे मैंने बताया था कि जो मिनिमम रिपीटेड लेंथ होते हैं उसका लेंथ क्या होता है 5.2 एंगस्ट्रम, जो कि पायरोक्सिनाइट में क्या होता है, यहाँ पे भी 3 ही होता है, बट ये क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। ये जो तीनों टेट्रा होते हैं ना, ट्विस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मिनिमम रिपीटेड लेंथ होता है वो होता है 7.1 एंगस्ट्रम। तो इसी वजह से इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम नहीं होता है। और ये 7.1 एंगस्ट्रम पायरोक्सिनाइट किस में होता है, दैट इज इन वोलेस्टोनाइट, जो हम अभी पीछे पायरोक्सिन ग्रुप में बात कर रहे थे, दैट इज CuSiO4, दैट इज वोलेस्टोनाइट। ओके, इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है जो कि होता है रोडोनाइट पायरोक्सिनाइट ग्रुप में। इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम रिपीटेड लेंथ कितना होता है, 12.5 एंगस्ट्रम। तो इसलिए आपने पहले भी पढ़ा होता है कि ये सिमेट्री इसका जो सेम नहीं होता है, तो ये लोअर ग्रेड में होता है, और पायरोक्सिनाइट किस में आता है, दैट इज इन ट्राइक्लिनिक ग्रुप में। तो यहां से क्लियर हुआ आपको कि पायरोक्सिन और पायरोक्सिनाइट में क्या डिफरेंस होता है। केमिकली तो वो सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। और स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या होता है इसमें, कि उसके जो मिनिमम रिपीटेड डिस्टेंस होता है टेट्राहेड्रा का, वो क्या होता है, पायरोक्सिनाइट में ट्विस्टेड होता है 3 टेट्राहेड्रा, जिसकी वजह से ये लेंथ इसका ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता है पायरोक्सिन और पायरोक्सिनाइट में, और ये ट्राइक्लिनिक में आता है। तो ये डिफरेंस होता है पायरोक्सिनाइट और पायरोक्सिन में। तो यहां से ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आयनोसिलिकेट स्ट्रक्चर। आई होप आपको काफी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, जो आपने पहले पढ़ा होगा अभी तक उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाते रहे। प्लीज मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के अपलोड करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बी सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ।